एक चाबी हम लोग लेके जा रहे हैं और एक हम यहाँ पे इसके नीचे गुड टू गो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल राइट। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्मा ट्राई करने के लिए। हाँ, एक दोस्त ने रिकमेंड किया है कि विफा सेंटर पे एक तुर्की शॉर्मा शॉप है, जहाँ का शॉर्मा बहुत ही मज़े का है और यूनिक है, तो वो टेस्ट करते हैं जाके। सारे दोस्त हम लोग जा रहे हैं, इंडेक्स करवाई है लेकिन पता नहीं कहाँ पे आ गई है, अभी मिल नहीं रही, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, पहले तो कभी नहीं ऐसे हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसे है। लोकेशन देखो और उसके उसके काम देखो। लोकेशन वहाँ किस दी आगे की हमने, और ये हाजी साहब ढूंढ रहे हैं, हाजी साहब ढूंढ रहे हैं कि टैक्सी कहाँ चली गई है। बिश्की का गुंडा उसने इंडेक्स हमारी आ गई है, -8 टेम्परेचर है बाहर, ठंड बहुत है। तो इंडेक्स में हम लोग बैठ गए, 7 बंदे थे, 6 अलाउड है मिनी वैन में। तो ये कंजूस जो हमारा कह रहा है कि पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। बट्टी साहब भैया ब्रो की साइड पे बनी टिकटॉक पे छोटा जा अभी फेमस हो जाता जिदे नाल दो चल आहो ऐटा ये ओदे नाल थोड़ा थोड़ा हल्ला पे अच्छा हसन तू की सेव की ताई तला दा ना क्या तला का नाम के सेव किया था तू यार वो मैंने पहले बार आया ना तला भाई अच्छा लिखा मैंने फिर मैं जब थोड़े दिन गुजरे तो मेरा फ्रेंड बन गया फिर मैंने कहा तला संधू लिख लिया मैंने IMU अतला संधू IMU लेकिन मुझे ये था कि संधू है अच्छा। और फिर आज मैंने थोड़े दिन पहले कॉल किया देखा तो लिखा था तला सांड IMU यार चंगा भला तला सांड तो नहीं लाता चलो यार ये हम लोग विफा सेंटर के बाहर खड़े हैं बिल्कुल तो उसके सामने रोड क्रॉस करके हमें जाना है इधर साइड पे चलो मैं बताता हूँ एग्जैक्ट मुझे खुद नहीं पता भी किधर है किधर ही कौन सा ये वाला भूसा सिकंदर कबाब। सो भाई ये है शॉप और ये बिल्कुल ऑपोजिट पे है विफा सेंटर के, ये सामने विफा सेंटर है और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये शॉप है, साथ में हलाल भी लिखा हुआ है यहाँ पे हलाल है। ये अंदर सारा शॉर में लग रहे हैं, चलो आ जाओ ब्रो। ठंड में ग्लासेस पहनने का एक ही नुकसान है कि बंदा जैसे ही बंदा अंदर आता है ना टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब आपकी ग्लासेस के ऊपर। ब्रो एक ये है ना, ये तो कबाब वाला शॉर्ट ये ना तो ये यार उसने पता नहीं कौन सा कहा था, पूछो उसे पूछ ले करीब फोन की चीज ट्राई की थी पूछ लो। आहो ब्रो फोन कर रहा हूं, यहां पे हम लोग आए मेन्यू देखा है तो हमें समझ नहीं आई ये कौन सा शॉर्मा था जो दोस्त ने रिकमेंड किया है, क्योंकि यहां पे काफी सारी वैरायटी है शॉर्मा की। तो दोस्त को फोन किया कि कौन सा शॉर्मा है, कंफर्म था कि वही वाला हम लोग ट्राई करें, ये ना हो कोई और ऐसा शॉर्मा ट्राई कर लें इसमें से स्मेल ही आ रही हो, क्योंकि ये यहां पे कई जगह पे ऐसे शॉर्मे जो बीफ वगैरह ये बनाते हैं तो उसमें ना स्मेल काफ़ी होती है कई जगह। हाँ सेम बर्गर ओस्तरे अच्छा इनके पास ना छोटी बोतल थी कोला की तो यहाँ से हम कोला बैठ लें मोशन स्तकन जी स्तकन शीशे के गिलास शीशे के गिलास आ गए सो हमारा शॉर्मा भी आ गया
और शॉर्मे का साइज आप खुद ही चेक कर लें कि ये मेरी बाजू है और ये इतना बड़ा शॉर्मा, सारे चेक कर रहे हैं शॉर्मा कितना बड़ा है। और ये तुर्की शॉर्मा का जो सही में तुर्की से बंदे ने लगाया, तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। भाई खा लो गए वैसे इंशाल्लाह यार, इधर कुछ नहीं बचा। ये तो मुझे कह रहा था कि आधा आधा कर लेते। हसन भाई आपका क्या टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो ठीक है लेकिन खाया नहीं जाएगा। नहीं खाया जाएगा, चलो टेस्ट सही से खा लो ना, फिर मैं पूछता हूँ टेस्ट कैसा था। सो अभी तक का एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं है क्योंकि सारी इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड की हुई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। अभी तक तो ये 50-50 है, आगे बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है। चला भाई इधर बैठे हैं, बड़ा मजा। वो हो गया वैसे तो। ओके ओ यार ओनू आप नहीं पता है, ओनू मैं पूछया ते कहता है कि चिकन को कबाब मैंने लगवाया, चिकन कबाब है ही नहीं उसके पास है बीफ कबाब है। प्रैंक हो गया पुत्र साडे नाल, खा के कुछ और चले हैं। हां भी केंद्र जवार मही हां से बता दे रेटिंग कितनी है 10 में से पटी मजा आया शर्म करो यार, जाया नहीं करते। कला भाई आपने खा लिया क्या हिसाब है? ओके हैं, सब्जियां खा ली हमने, इसका मतलब है ये सूखा लगाया उन्होंने, वो नहीं खुशका नहीं लगा दे रोटी को। ब्रो नहीं जिनी की बंद को भी आज खा ली है ना, सारी जिंदगी च नहीं खाधी है, नाल प्याज चिकन का नाम निशान ही है। आपने भाई खाया ही नहीं है, मैंने पहले देख लिया था आपको इतना बड़ा था मेरा। अच्छा नहीं पुत्र मैं भी खा लिया, जिस तरह खाधा मेनू पता है खराब हो गया, बोतल है मेरी अभी फर्स्ट टाइम ऐसा शॉर्मा बिस्की में खाया है जो जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आपने खाया वैसे? मैंने शवारमा नहीं खाया, बर्गर खाया। चलो यार फीडबैक हमने दे दिया 10 out of 2, 10 out of 0.5, 10 out of 0.5। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे भैया, हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर किसी को वेज बर्गर चाहिए ना वो खा सकता है भैया। तो यहाँ पे खज्जल ख़राब होने के बाद हम लोग वापस जाने की तैयारी में हैं, तो किसको मज़ा आया वैसे? तू सा मजाक उड़ा रहा ना, यदा मतलब ठंड पड़ी है।
टाइम पास करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि भैया आप पास में किसी भी मॉल में घुस जाओ, जैसे कि हम लोग विफा सेंटर में आ गए हैं, अंदर यहाँ पे शॉप है शूज़ की, सारे यहाँ पे घुस के शूज़ पसंद कर रहे हैं। वैसे इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो फिर आपको लेनी पड़ती है वो। सो अभी दोबारा हमारे साथ प्रैंक हो गया जेंटे, हमने पहले भी करवाई थी तो कहीं और आ गई थी, अब भी मंगवाई है वो, उधर आई है वो, आगे काफ़ी खड़ी हुई है, डबल इंडिकेटर लगा। सिग्नल ऑन नहीं था, वह पहले ही चल पड़े थे। आप क्या कह रहे हो? अगर वो गुलाबी मुस्तफा जा रहा है आगे, चलो पुर्तगाल का छोटा भाई ने सुन लिया लगता है। हाँ ये हमारी एंडर खड़ी हुई है, हाँ यही है। चलो भाई तीन बंदे पीछे, हम बैठेंगे आगे। सो हम लोग तीन बंदे पीछे बैठ गए ना, चलो गामे वाज ही रह तू गाइस, ये गामा बैठ नहीं रहा। बोलो भाई जा यार, क्या हो गया गुरु भाई यार, कोई बात नहीं यार, अगर उर्दू बोलने में थोड़ा कोई बात नहीं यार, उर्दू बोलने में ताला भाई मसला आ रहा है तो पंजाबी बोल ले, सारे पंजाबी हो गए यहां पे। आहो वो तो चल गई गल, खोल दी है मिस्त्री बैग है, गामा मिस्त्री बैग है, गामे दी सीट नहीं खोल दी पई। सो उस तक पे हम लोग आ गए और टैक्सी वाला भी हमें बहुत कोई शानदार किस्म का कज्जा मिला था। बाकी इतलात मिल रही है कि जिस बशिंदे के कहने पे हम लोग शवरमा खाने गए थे वो चाबी का इस्तेफादा करते हुए जो हम यहाँ पे छोड़ के गए थे फ्लैट पे आके, उससे जाके पूछते हैं भाई हमारे साथ तुमने ऐसे क्यों किया। ये बंदा अच्छा वीडियो नहीं बनी जिसमें हमने लड़ाई कर ली है सारी की सारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, ये हमारा व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।